हेलो फ्रेंड्स, आज हम शटल चलाना सीखेंगे। शटल चलाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम शटल के धागे से शटल चलाते हैं, शटल के धागे में बार बार गांठ लग जाती है। उस गांठ को खोलने में क्या तो हमारा शटल का धागा ख़राब हो जाता है या फिर हमें धागा बार बार में काट के फेंकना पड़ता है। इसलिए आज हम शटल चलाना एक मोटी डोरी पर सीखेंगे। इसमें बड़ी आसानी से हम शटल चलाना सीख सकते हैं। हम इस तरह की कोई भी डोरी ले लेंगे जिसपे हम आसानी से शटल चलाना सीख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई डोरी नहीं है तो हम कोई भी नाड़ा ले सकते हैं। नाड़े से भी हम आसानी से शटल चलाना सीख सकते हैं। चलो अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे अंगूठे और उंगली के बीच में डोरी को इस तरह पकड़ते हैं। फिर हम अपनी बची हुई तीनों उंगलियों के ऊपर इस तरह एक लूप बनाते हैं और वापस से हमारी डोरी को अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह पकड़ लेते हैं, जिसे हमें पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं रहता है। फिर हम इस डोरी को उंगलियों के पीछे की तरफ से दूसरा लूप बनाते हैं। इस लूप को हमारी पहली और दूसरी उंगली, हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से इस तरह निकालते हैं। निकालने के बाद दूसरे हाथ से हम इस डोरी को इस तरह खींचते हैं तो हमारे पास ये एक आर्ट की शेप की डिज़ाइन बन जाती है। इस डिज़ाइन में हम हमारी हाथ की तरफ की जो गोला होता है उसमें हमारी बची हुई तीन उंगलियों को इस तरह डाल देते हैं। इस दूसरे हाथ में पकड़ी हुई डोरी को हमें इस तरह सीधी ही रखना रहता है और अब अपनी इन उंगलियों को इस तरह करके इस नोट को इस तरह हम पीछे ले आते हैं तो ये हमारी आधी नोट बन जाती है। अब हम इस लूप को नीचे की तरफ से लेके वही हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से इस तरह निकालते हैं। इस तरह निकालते हैं और पूरे लूप को हम छोड़ देते हैं। इस जगह से हम इस डोरी को नहीं छोड़ते, दूसरे हाथ से हम डोरी को इस तरह खींच के सीधा रखते हैं। वही वापस से हमारे पास आर्ट की डिजाइन बन जाती है और जो हमारे हाथ की तरफ गोला है उस गोले में हम अपनी बची हुई तीनों उंगलियों को डाल के वापस से उसी तरह अपनी उंगलियों से इस नोट को पीछे लेके जाते हैं। और इस डोरी को कभी भी ऊपर नहीं लेके जाते, ऊपर ले जाने से इसमें गांठ लग जाती है, फिर हमें वो गांठ खोलनी पड़ती है। इसको हमेशा इस तरह सीधा रखते हैं। इस तरह ही हमारी एक नोट पूरी हो जाती है। अब हम ये देखने के लिए कि हमारी नोट सही बनी है कि नहीं, इस डोरी को हम इस तरह से खींचते हैं। अगर ये डोरी आसानी से खींच जाती है तो हमारी नोट सही बनी है। हमें प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले एक तरफ की नोट की हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ के लूप की प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारी हाफ नोट की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरह हमारे लूप को हाथ में डालते हैं, अंगूठे और उंगली के बीच में हमारी दोनों डोरियों को इस तरह पकड़ के रखते हैं। वापस से दूसरा लूप बनाते हैं, हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से डोरी को इस तरह डालते हैं, दूसरे हाथ से डोरी को इस तरह सीधा करते हैं। वही आर्ट की शेप की डिजाइन बन जाती है। इसमें हमारे हाथ की तरफ तो गोला होता है उसमें अपनी तीनों उंगलियों को डाल के इस नोट को धीरे धीरे इस तरह खींच के हम इधर ले आते हैं। इस तरह हम बार बार ऊपर की नोट की प्रैक्टिस करते हैं। वही पीछे से लूप लेते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में से डोरी को निकालते हैं और दूसरे हाथ से डोरी को इस तरह सीधा करते हैं, वही डिजाइन बन जाती है। इस तरह हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बीच बीच में हम इस डोरी को इस तरह खींच के देखते रहते हैं कि हमारी ये नोट सही बन रही है, गांठ तो नहीं लग रही। जब हमें ऊपर की नोट की प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फिर नीचे की नोट की प्रैक्टिस करते हैं। नीचे की नोट के लिए हमें नीचे से लूप बनाते हैं और हमारी दोनों उंगलियों के बीच में से डोरी को निकालते हैं। इस तरह वही आर्ट की डिजाइन बन जाती है, उसमें हमें तीनों उंगलियों को डालते हैं और इस तरह इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं। दूसरे हाथ वाली डोरी को बिल्कुल सीधा रखते हैं। इस तरह हम नीचे की नोट की प्रैक्टिस करते हैं, इसको बीच बीच में इस तरह खींच के देखते रहते हैं। जब हमारी दोनों तरफ की नोट की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम अब पूरी नोट बनाएंगे। सबसे पहले हम
ऊपर की तरफ से लूप लेंगे, फिर उसको दोनों उंगलियों के बीच में से इस तरह डोरी को निकालेंगे। इस हाथ से डोरी को स्ट्रेट रखेंगे, वो आर्ट की शेप बन जाती है। उसमें अपने तीनों उंगलियों को डाल के इस नोट को इस तरह पीछे लेके जाएंगे। ये आधी नोट हमारी ऊपर से बनी है। अब इस नोट को पूरा करने के लिए हम नीचे से डोरी को लेंगे और अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से इस तरह डोरी को निकाल के दूसरे हाथ से डोरी को इस तरह सीधा करके वही शेप बन जाती है। उसमें वापस से अपनी उंगलियां डाल के इस तरह अंदर की तरफ इस तरह इसको खींचते हैं तो हमारी ये एक पूरी नोट बन जाती है। इस तरह हम बीच में इसको इस तरह खींच के देख लेते हैं कि हमारी नोट सही बनी है। इस तरह हम पूरी डोरी से नोट बना लेते हैं। पहले ऊपर से बनाते हैं, फिर इस तरह नीचे से लेके नीचे से बनाते हैं। इस तरह हम पूरी डोरी से नोट बना लेते हैं। इसको बीच में इस तरह खींच के देखते रहते हैं कि हमारी नोट सही बन रही है। ये हमारी अब नोट सही बन रही है। वही हम खींच के देख लेते हैं, वही हमारी ये नोट सही बन रही है। वही ऊपर से हम दूसरा लूप बनाते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में से डोरी को इस तरह डालते हैं तो ये हमारी ऊपर की नोट बन जाती है। फिर हम नीचे की तरफ से डालते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में से डोरी को निकाल के इस तरह हमारी नीचे की नोट बन के एक पूरी नोट बन जाती है। इस तरह हम पूरे डोरी से बना लेते हैं और फिर इस डोरी को इस तरह इधर से यूँ खींच लेते हैं। तो वापस से हमारी डोरी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। हम वापस से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह हम आसानी से शटल चलाना डोरी से सीख सकते हैं। जब डोरी से हमें शटल चलाना आराम से आ जाता है तो हम अब शटल के धागे से शटल चलाना सीखेंगे। जब डोरी से शटल चलाना आ जाए तो शटल के धागे पे शटल चलाना आसान हो जाता है और हमारी बार बार गांठ नहीं लगती है। उसी तरह ही पहला लूप बनाते हैं, फिर दूसरा लूप ऊपर से लेते हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में से शटल को इस तरह निकालते हैं और हमारी वही आर्ट की शेप बन जाती है। उसमें तीनों उंगलियों को डाल के इसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ से लूप बनाते हैं, ऊपर से शटल को इस तरह डालते हैं, वही हमारी आर्ट की शेप बन जाती है। और दूसरे हाथ वाली धागे को इस तरह हम खींच के सीधा रखते हैं, उसको वही इधर ले जाते हैं, इस तरह हमारी ये नोट बन जाती है। इसको यूँ खींच के देख लेते हैं कि हमारी नोट आराम से बन जाती है। इस तरह ऊपर से लेंगे, फिर इस तरह नीचे से लेंगे, इस तरह हमारी नोट आराम से बन जाती है। आशा करती हूँ कि आपको अब शटल चलाना आसानी से आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम शटल से अलग अलग तरह की कई चीज़ें बनाना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।